अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? रमज़ान मुबारक हो। एक मुख्तसर सा आपसे माजरत का मैसेज कर रहा हूँ कि ड्रामा मुझे रमज़ान में ऑन एयर करना था, जो मैंने अपने पेज के लिए बनाया था यूट्यूब के लिए, वो मैं नहीं कर सका। कुछ शूट प्रॉब्लम थी, कुछ एडिट प्रॉब्लम थी, और मैं उसको जल्दबाजी में ऑन एयर करके ज़ाया नहीं करना चाहता था, ख़राब नहीं करना चाहता था। तो मेरी तरफ़ से माजरत, और उसी काम कर रहा हूँ, अभी एडिट पर आया हूँ। तो जैसे ही कम्प्लीट होगा, जल्द होगा इंशाल्लाह ताला, अच्छी क्वालिटी के साथ जैसे ही कम्प्लीट होगा मैं अपलोड करूँगा। और मैंने रमज़ान में ऑन एयर नहीं कर सका, इसलिए माजरत। बाय बाय, बस दुआ करें मेरे लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, और आपको सपोर्ट करना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस वक्त बंस रोड पे और अपने चटोरे दोस्तों के साथ हूँ। ये बंस रोड का मशहूर बंद कबाब है, ये यहाँ का बंद कबाब लिखा है, कहीं का बंद कबाब लिखा है। इसका नाम क्या है बंद कबाब का? बंस रोड का मशहूर बंद कबाब बस जी हाजी अहमद बंद कबाब है, और कौन सा गली वाले के नाम से मशहूर है। ये आप देख लें थोड़ा सा, ये गुलाबी बिल्डिंग देखें इसके बिल्कुल सामने, ये बन रहा है बंद कबाब। आज जो है मैं मिर्जा को बंद कबाब खिलाऊंगा बंस रोड पे। ये मेरे चटोरे दोस्त हैं हमारे, नदीम भाई और फरहान, इनको मैं ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ कि चले मेरे साथ। मैं रोज़े लगे इनको, ज़रा पता चले रोज़ा क्या होता है। तो मैं तो आपको ये देखें, आप इसमें जो है साफ सुथरे से लोग आते हैं यहाँ पे, और ये रमज़ान में बंस रोड का हाल होता है। ये देख रहे हैं आप अफ्तार से कुछ देर पहले पहले आपने देखे ये हाल है। जी भाई वंसाम, ये कौन है हीरो? कौन है, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हाँ हाजिर। क्या नाम है? हाजिर मोहम्मद हाजिर। चलो चलो, आ जाए। ये कौन है छोटू? तस्वीर खिंचवानी है, आ जाए भाई। चलो जी आता हूँ मैं। क्या बंस रोड का रश देख रहे हैं कि लोग इफ्तार से पहले, इस टाइम हो रहे 5 बज रहे हैं, 2 घंटे पहले लोग किस तरह मारामारी मची होती है, और मज़ा है इसका। ये मज़ा पाकिस्तान में मिलेगा। मेरे एक इंडियन दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा, सिमा हुसैन नाम है उनका, म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनसे मैंने पूछा कि रमज़ानों में बाहर निकलो तो फील होता है रमज़ान है? कह रहा नहीं, हमारे ऐसा फील नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल खुला होता है, जबकि एक मुस्लिम आबादी, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से खास कोई मुसलमानों के इलाके होंगे वहाँ तो ये होता होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखते ना, मैं बॉम्बे जा चुका हूँ अपने काम के सिलसिले में, तो वहाँ पर सब नॉर्मल चल रहा होता है। यहाँ जैसे अफ्तार से पहले एक रौनक होती है, और अफ्तार से पहले दुकानें बंद होती हैं खाने पीने की, रोड में सन्नाटा होता है, जिस चेहरे को देखेंगे ना आप देख के बता सकते हैं इसका रोज़ा है हमारे यहाँ का मौसम, वह इंडिया में नहीं है इसका। तो दोस्त मेरा बड़ा हैरान हो रहा था। और दूसरी बात बड़ी अच्छी, मैं अभी वीडियो मिल गई मुझे, अगर तो मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। अफ्तार से पहले लोग लंच बॉक्स लेके, अफ्तार बॉक्स लेके मुख्तलिफ बसों के आगे खड़े होते हैं, मोटरसाइकिलों के आगे खड़े होते हैं, वो लोग बांट रहे होते, अफ्तारी बांट रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ पाकिस्तान में ही है, बाहर नहीं है इस तरह की चीज़। तो जो जो मुझे नज़र आएगा आज रस्ते में, मैं सब दिखाऊँगा आपको। बाय बाय। सच बताऊँ, मैं इतने अरसे बाद निकला हूँ इस तरह शॉपिंग करने, और मैं शॉपिंग के बाद ये खाने पीने की शॉपिंग, मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, और लोग मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो इरिटेट नहीं कर रहे, अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, यासिफ भाई करके आते हैं करीब, और तस्वीर खिंचवाते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारे, अस्सलाम वालेकुम भैया, ये हमारे ट्रैफिक वाले भाई हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और रोज़ा भी है इनका माशाल्लाह। रोज़ा है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो रमज़ानों में जो है हर बंदा जो है ना,
वो चेहरे से पता चलता है कि रोज़ा भी है और मेहनत भी कर रहा है। तो भाई ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि रोज़े में शायद उनको पसंद नहीं आ रहा कि मैं उनसे भी बात करूं, और कैमरा देख के वैसे ही डर गए वो। खैर होता है, चलता है। सुनिए, सदका अल्लाह पाक के हजम को बुझाता है। अच्छा, बंस रोड आए और यहाँ का कैफे लजीज का कटाकट और कीमा ना खाएं तो ये हो नहीं सकता। मैं तो शदीद फैन हूँ, ये इनका कटाकट और कीमा मिलता है अभी तो तैयार नहीं हो रहा, मैंने बनवाया अपने लिए। भाई थोड़ा क्या हाल है आपके? भाई आसिफ भाई अल्लाह का करम है, अभी से हैं। ये किस नाम से कैफे लजीज, किसका नाम रखा है? ये बेसिकली वालिद साहब का काम है, आफिज जी के नाम से मंजूर है। अच्छा, शूटिंग से नहीं आ रहे आज, आराम कर रहे हैं ना। अच्छा, हमने कह रहा यार यहाँ के कटाकट और कीमा खाना चाहिए। और भाई क्या हाल है? आप बड़े भाई हैं, वो छोटे हैं, लेकिन आप छोटे लगते हैं, वो बड़े लगते हैं, है ना। ये इनके हाथ में नोट आते रहते हैं, जवान रहते हैं, जवान रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या बन रहा है? कटाकट कीमा कढ़ाई है, कटाकट है। हाँ, चटनी है ये मक्खन के साथ। ये चरगा है, मसाला दाल, मसाला एक दाल। ये मेरा, ये आपके लिए। ये सब्जी है, बकरे की नहीं है, बकरे की। ये मज़ेदार हलीम है और इसका नाम है मज़ेदार हलीम। हनीफ भाई इसके जो ओनर हैं वो इस वक्त है नहीं यहाँ पे, और इसकी एक ख़ास बात बता दूँ कि जो इंडियन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं गुलजार साहब, वो फ़ैन है मज़ेदार हलीम के। तो मज़ेदार हलीम के जो दोस्त हैं, हनीफ भाई के जो दोस्त हैं, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपके भी दोस्त हैं? मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन कुछ बताएंगे उनका बचपन कैसा गुजरा हनीफ भाई का? ये जोक है? नहीं नहीं, आप बचपन के दोस्त हैं ना? बचपन के दोस्त। कुछ नीमको भी है, कुछ बीज हैं, ये बादाम पिसते हैं, ये देख रहे हैं मिक्स, ये पिसते हैं। अमेरिकन बादाम क्या किलो? तो बादाम पिस्तों के साथ आपने कॉम्बिनेशन चले, या कोल्ड ड्रिंक भी देखी आपने? कभी ताले देखे हैं? यहाँ पे ताले भी मिलते हैं। तो मेरी सोई है, ये ताले बिकने के या दुकान के हैं, बेचने के? ये बादाम पिस्तों के साथ ताले क्या यार? ये कॉम्बिनेशन क्या है ये? कोई भी आप, अगर कोई आप कोई भी मायूस हो गया ना जाए, ये चाह रहे हैं आप, है ना। गुड यार, देखिए सबका ख्याल है। उनको कॉफ़ी भी मिल रही है यहाँ पे, और पापड़ भी मिल रहे हैं, खजूर भी मिल रही है। ये है इम्प्रेस मार्केट अपना, सॉरी बंस रोड। यहाँ जगह जगह पकौड़े समोसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। पांच सालिया पुरानी आपकी बिल्डिंग? हाँ, यहाँ पे हमने शूटिंग की थी अभी थोड़े दिनों पहले, तो बंस रोड पे जो है ना, पांच सालिया बहुत खा लिया, अब खाएंगे इसी गम ने हमको खा लिया। हाँ हाँ, सब दुखी बैठे हैं यहाँ पे, सही सही बात है ना। जी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? बिल्डिंग है 1860 की, 100 सबको हो चुके हैं ना, सही है। ये देखिए यहाँ भी मिल रहा है पकौड़े समोसे, बताए क्या कब की बिल्डिंग है ये वाली? 1880 की बिल्डिंग है ये, सबसे पुरानी बिल्डिंग बंस रोड की है। क्यों जो टाइम बढ़ रहा है, आप रश की सूरत हाल देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप रश देखें। एक मज़ेदार सिंधी शॉप है, देखते हैं क्या है, मिलता है यहाँ पे। ये सिंधी है बलोची है, दोनों चलता है, सिंधी बलोची दोनों लग रहा है ये लोग। ये बंस रोड के बिल्कुल सामने है,
सब बनाया है। हाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, घर जाएगी। ओके कह रहा घर जाएगी, सही है। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि इस बस में चढ़ जाओ ऊपर, क्या ख्याल है? और ये चढ़ के दिखाएगा। हाँ चढ़ के दिखाऊंगा मैं, सही है। बस में जा रहा हूँ मैं, बस में ये है 4L। ये लेडी साइड है, किधर है, जेंट्स कौन है? ये मैं लेडी साइड चढ़ गया था और ये जेंट्स लेडीज है। क्या हाल है भाई? हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इससे पहले बस चल पड़े। तो भाई के साथ मैं ज़रा सेल्फी बनाऊँ। ये जो है अब बनाओ सेल्फी। ऐसे ही है, जा क्यों नहीं रहा, हमारी उसकी जा रहा क्या? ये बस का ट्रिप भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और ये इन बसों में बहुत बैठ बैठ के हम पड़े हुए हैं, कभी उधर इससे पहले चल पड़े और हम कहीं और इसको चलो चलो रोकना भाई रोको, नहीं नहीं चलने दो चलने दो। ये बंस रोड है और यहाँ पर सेकंड सेकंड में रुकती है बस, रुकी नहीं रही है भाई, रुकेगी वहाँ तो जाते क्या नाम है आपको? मोहम्मद अली। बस ने पता नहीं कहाँ से उतारा हमारे, अब हम जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के अपनी जगह पे, हमारी गाड़ी वापस बंस रोड पे चलते हैं, रिक्शे में आ जाए नितिन भाई। तो हम जो है बस में आए थे और अब रिक्शे में हम अपना जहाँ गाड़ी पार्क किए वहाँ जा रहे हैं, और एक हमारा दोस्त बिछड़ गया, वो गाना ना गा रहा हो गई है ना। ये रिक्शा वाला भाई हमें ले जा रहा है फ्रिस्को की तरफ, और अच्छी बात ये हैरत की बात ये अभी रॉन्ग साइड है, वन वे जा रहे हैं, रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड है ना भाई। डर नहीं लगता पुलिस से, कुछ कहती नहीं, हाई वे से जा रहे हैं, क्या बात है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बस का भी सफर हो गया, बस का भी रक्षे का सफर, बड़े सालों बाद बैठ से बात। क्या कह रहा हूँ? दुबई के शेख लग रहे हो माशाल्लाह, क्या तुमने शेख बोल दिए? तो ये नदीम भाई कुछ दे रहे हैं, ये क्या लग रहे हैं? हाँ ये क्या लग रहे हैं? क्या आपके पीए लग रहे हैं? पीए लग रहे हैं, पैसे यही दे रहे हैं, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। शेख तो ये पैसा लगा है यार, सही है। तो दोस्तों ये था हमारा बंस रोड का शॉपिंग का एक ट्रिप, ये सामने आ जाए फरहान ताकि आप भी आ सकें। पूरी पूरी ये नदीम भाई जो है मेरे अबू के दोस्त है असल में, तो अब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ही दोस्ती की थी इनसे, अबू की याद आती रहती है, एक अबू की खुशबू एक अबू की याद की जो बातें करते हैं नदीम भाई क्योंकि आपको ये कोशिश करिए भाई बुरा ना मानना है रोजे में, आज रोजा रखा है ना, खुदा के लिए बुरा नहीं मानना कोई, आज रोजा है इनका। अच्छा अच्छा आज ये जो भी बोले सही बोले, ये नाराज हो रहे हैं। अनिल साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, और बल्कि आप बलाश के दोस्त हैं तो अब घर जाके हम इफ्तारी जब खोलेंगे इफ्तार के टाइम, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा यहाँ से, क्या क्या शॉपिंग की। तो थैंक यू दोस्तों नदीम भाई फरहान, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया मेरे साथ। बस का सफर और रक्षे का सफर ने बहुत मजा दिया, सीरियसली सही मजा आया। तो अब हम मिलते हैं इफ्तार से पहले घर पे। ये मैं दिखा दूँ, ये हम एमेजिना रोड से गुजर रहे हैं, बड़ा अरसे बाद मैं एमेजिना रोड से गुजर रहा हूँ। ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये रेडियो पाकिस्तान है, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे इस बिल्डिंग को, और लिखा हुआ रेडियो पाकिस्तान लिखा हुआ भी है। ये भी एक
पुरानी बिल्डिंग में से अगर क्या रोब दबदबा था इस बिल्डिंग का, लेकिन इस जगह का ये बन, ये अमेजना रोड है जिसको पहले के ज़माने में बंदर रोड कहा जाता था, अब ये अमेजना रोड है। ये देखें जी, ये भी पुरानी जगह है, अमेजना रोड, तिब्बत सेंटर। हम जब बस में आते थे, तिब्बत है, तिब्बत है, तिब्बत है, ये भी सुनने में आता था हमें। ये है मामा पारसी, ये मामा पारसी स्कूल है। ये बहुत दिनों बाद हम इस रोड से आए, क्योंकि यहाँ पर रश भी इंतहा होता है। भाई सामने आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मज़ार नज़र आ रहा होगा आपको। हम वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह करीब में, कहीं से गुजरेंगे। ये है रिम्पा प्लाज़ा, ये पुराना रिम्पा प्लाज़ा है। ये सब जो स्पेशली जो बाहर बैठे होंगे ना पाकिस्तान से, वो ये जगह देख के बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, यार ये तो वैसा का वैसे ही है। रोड थोड़ी चौड़ी इसलिए लग रही है कि आज संडे भी है और रमज़ान भी है, तो इसलिए ज़रा चौड़ी रोड भी लगी है। तो आप वैसे आम दिनों में आए तो ऐसी ही रोड है ये, जैसी होती है। ये गुल सेंटर है, ये गुल सेंटर है, ये भी यहाँ पर लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं। ये गुल सेंटर नहीं है, आगे गुल सेंटर पक्का। अच्छा अच्छा, ये गुल सेंटर है, अभी बंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हुआ हूँ। तो ये जो पुराने यहाँ कराची के लोग हैं ना, जिन्होंने कराची देखा हुआ पुराना, उनको मज़ा आ रहा होगा देख के, स्पेशली जो बाहर है पाकिस्तान से। ये वो रोड है जो बेम्बिनो सिनेमा, ये मैं आपको शीशा यहाँ बेम्बिनो सिनेमा होता था, अब शायद नहीं, अब है नहीं है बेम्बिनो सिनेमा, अभी है। ये देखे ना, ये जो बाहर होंगे ना वो एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग को, अपना पुराना कराची देख के। और यहाँ निशाद सिनेमा होता था किस जमाने में, जो खत्म हो चुका, आग लगी थी इसको, जल गया था। ये मिडवे हॉस्पिटल है, ये पता नहीं क्या वजह है जो उसको खाली कर दिया है, तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, इसकी रीज़न मुझे नहीं पता। और ये है जी कैपरी सिनेमा, ये भी हमारी पुरानी यादों के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैपरी सिनेमा चौधरी साहब का, चौधरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी माशाल्लाह चारों फिल्में इस सिनेमा में लगी हैं, और मुझे प्यार है सिनेमा से। हाँ, रमज़ान की वजह से इसको बंद किया उसने। और ये ग्रीन बस बन, क्या बन रहा है, ट्रैक बन रहा है जो, हाँ, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन के नाम से जो नया शुरू किया उन्होंने, ये आप देख रहे हैं, ये जा रहा है आगे अंडरपास। ये अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम हुआ, काम तो अच्छे होते रहते हैं नदीम भाई, लेकिन हम बुरे काम को ज़्यादा याद करते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा खुल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार के सामने हैं, और इनके सामने अब जो है सब ये सड़क देख रहे हैं, अंडर पास बन चुका है इधर, और ये मज़ार। मैं मेकअप नहीं किया हुआ। ये क्या, आप मेकअप के बगैर बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, आप ना किया करें। मैं अभी अफ्तारी लेकर घर आया हूँ, मैं तो जबान फंबल कर रही है मेरी, तो निदा साहब यहाँ पर कपड़े बिखार के, छोटे कपड़े अलग कर रही हूँ, तो अफ्तारी में मैं लेकर आया हूँ बंद कबाब यार और कटाकट, तो हम अफ्तारी साथ करेंगे। और निदा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता रमजानों में रोजे में, है ना निदा यार, मतलब क्या है यार। चलो बस हम अफ्तारी करते हैं। मैं अफ्तार से कोई 45-50 मिनट पहले अच्छी वाली वॉक करता हूँ, और अभी मैं वॉक कर रहा था तो मेरी बहन की कॉल आ गई कि मैं भी घर आ रही हूँ अफ्तारी करने, साथ करते हैं, तो मैंने उसको पार्क की तरफ बुला लिया। हेलो हेलो, मैं और आप ब्लैक 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 ब्लैक, तो भाई आ जाए वॉक तेज़ से करो। बताओ क्या बताऊँ, ये यहाँ से जा रहा है, चलो चलो। आप 40-50 मिनट पहले अफ्तार से, रोजे में है अगर आप, हाँ। तो अफ्तार से पहले आप 50 मिनट वॉक करते ना, मैं कहता हूँ उससे बेस्ट कोई वॉक एक्सरसाइज होती नहीं है। अभी मैंने शुरू किया है क्योंकि चौथा रोज़ा है, तो मैंने अभी शुरू किया है, अभी हफ्ते 10 दिन बाद मैं थोड़ी टफ एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, और सच बताऊं मज़ा आता है एक्सरसाइज का। बाय बाय।
ये देखें मगरिब से पहले का टाइम है, 6:28 हो रहे हैं इस वक्त और शाम के अफ्तार से पहले। तो भाई वॉक करें, वॉक एक्सरसाइज करें, मज़ा आएगा। मैं एंड में एक दो राउंड राउंड जो है रनिंग के भी लगाऊंगा। कितना खूबसूरत व्यू है। ये हम दोनों बहन भाई शराकिंग पे जॉगर शूज में वॉक कर रहे हैं। हाय हाय, स्पीड स्पीड, तेज तेज, स्लो नहीं, तेज। मुझे क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं सिर्फ तो तेज आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं सिर्फ ब्लॉक के लिए ये बैट बॉल पकड़ूंगा। मैंने शायद 2-2.5 साल बाद ये लोग जा रहे हैं। मैं एक तो बॉल करने दो यार, बुलाओ बॉल के लिए। आवाज दो उसको, मैंने बैट पड़ा ना बॉल में। अफ्तारी का टाइम हो रहा है इसलिए सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं घर। ये मैं जबरदस्ती बच्चों को पकड़ा है, मैंने जबरदस्ती पकड़ा है यासिर ने। ये देखिए वो बच्चे चला गया था, आवाज़ दी और ये बच्चे ये बैट लगता है मोबाइल से ज़्यादा है। मोबाइल उठाने के ना आपके बॉडी ऐसी हो जाती है ना, डूब जाती है। ये मोबाइल के साथ इस बैट ने मोबाइल के साथ गेम्स बहुत खेले हैं। चलो भाई, ये है हंस रोड का कबाब, बन कबाब। ये है चरगा निदा के लिए। ये है मेरा अचार नींबू का। आए हाय हाय हाय, और कटाकट आ रहा है। बलाज साहब का मूड ऑफ है। क्यों ऑफ बलाज, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बलाज जी? क्या आज रोज़ा खुशाई करनी थी वो नहीं कर रहे हम लोग, तो इससे ज़रा मूड ऑफ है इनका कि रोज़ा कब रखूँगा मैं। तो बलाज इंशाल्लाह जल्दी रोज़ा रखोगे, हम रोज़ा खुशाई भी करेंगे आपकी। ये निदा अभी आ रही हैं, अफ्तारी मैंने पूरी बनाई खुद अपने हाथों से। और अस्सलामुअलैकुम, अंजल्ला भी आई हुई हैं। अंजल्ला को मैं पार्क भी बुला लिया हमारे अकेले घर में। खुदा हाफिज़ जी, आज की हमारी बाहर की इफ्तारी जो देसी इफ्तारी, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह आपको हम, उसमें घर की इफ्तारी मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।